हेलो एवरीवन, वेलकम टू इश्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो जैसा कि अभी तक के डिस्कशन में हम ये देख चुके हैं, अभी तक के वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि आखिर डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को, एक ब्रॉड डेफिनेशन को हम समझ चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। आज के हमारे इस टॉपिक में हमें ये पता पड़ेगा कि किस तरीके से जो हमारा इलेक्शन है, डेमोक्रेसी के लिए क्या होना जरूरी है, इलेक्शन होना जरूरी है। उस इलेक्शन के अंदर हर किसी पर्सन के पास क्या होना चाहिए, वन वोट होना चाहिए। वन वोट होने का मतलब यही है कि सर हर पर्सन के पास, मतलब भले ही वो मेल हो भले ही वो फीमेल हो, ठीक है, जो भी 18 प्लस है उन सभी के पास क्या है, वोटिंग राइट्स है। जिसके पास भी वोटिंग राइट्स है उसके पास क्या है, वन वोट है। मतलब भले ही वो 18 का हो भले ही वो 60 का हो, उसके पास वोट कितने होंगे, वो एक ही होंगे। भले ही वो किसी भी क्लास से, भले ही वो किसी भी कास्ट से, भले ही वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग क्यों ना करता हो, पर उसका जो वोट है वो हमेशा कितना होगा, वो एक ही होगा। और साथ ही साथ वन वैल्यू, वन वैल्यू का मतलब इतना ही है कि जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति जिनका नाम है मुकेश अंबानी जी, अगर मुकेश अंबानी जी भी वोट देने जाएंगे तो उनके वोटिंग वैल्यू, मतलब जितने उनकी वोट की वैल्यू है, मतलब उनका वोट कितना है, वन है। और उसकी जो वेटेज है कि उनके वोटिंग वैल्यू क्या है, वन है। उनकी जो वेटेज है उनके वोट की, वो भी क्या रहेगी, वन रहेगी। और जब हम बात करेंगे किसी ऑर्डिनरी सिटीजन्स की, जब हम बात करेंगे हम लोगों की, तो हमारे वोटिंग जो वैल्यू है वो भी हमेशा कितनी रहेगी, वन ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, वो इसके इक्वल होगा। मतलब भले ही कोई भी हो, पर जो हमारी वोटिंग वैल्यूज है वो हमेशा सेम ही रहेगी, वो कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ हमने इंडियन मूवमेंट्स को भी देखा है। तो ये सारे मूवमेंट्स, ये सारे जो रेवोल्यूशन थे, आखिर इनका जो एंड जो गोल था वो क्या था, वो क्या था, डेमोक्रेसी था। पर डेमोक्रेसी के साथ साथ हमने ये देखा था कि उन्हें डेमोक्रेसी तो चाहिए ही थी, पर डेमोक्रेसी के साथ साथ उन्हें क्या चाहिए था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए था। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, एडल्ट मतलब जो भी 18 प्लस हो, फ्रेंचाइज मतलब जिसके पास क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होने चाहिए। मतलब सभी के पास, जो भी एडल्ट है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो जैसा कि हम बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया में यह देखा गया था कि हमें एक ऑपरेसिव रूल, जिसे हम ब्रिटिश रूल के नाम से जानते थे, उसे हटाना था। ये तो हमारे लिए एक मेन गोल था, पर उसके साथ साथ हमें क्या लाना था, हमें हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी लानी थी। अब हमें हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी क्यों लानी थी, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा डाइवर्जन हुआ होगा, ऐसी कोई कैटेगराइजेशन हो रखा होगा जिसके कारण ही तो हमें इक्वालिटी की जरूरत थी। तो जैसा कि हम बात कर लेते हैं 1947 के इंडिया की, या 1947 से पहले के इंडिया की, तो हम ये देखते हैं कि सर इंडिया जो था ना वो ब्रॉडली क्या हो रखा था, कास्टिज्म का शिकार हो रखा था। तो कास्टिज्म के कारण क्या हो रखा था ना, कि हमारी जो सोसाइटी थी वो बहुत ही ज्यादा डिवाइड हो रखी थी। ऐसे में सर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये तो था कि हमें हमारे ऑपरेसिव रूल, ब्रिटिश रूल को हटाना है, पर इसी के साथ साथ ये भी जरूरी था कि हमें ये जो कास्टिज्म है, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है ना, हमें उसे भी खत्म करना था। तो ऐसे में होता क्या है ना कि हमारे लिए डेमोक्रेसी की मांग तो चालू होती है, पर डेमोक्रेसी की मांग के साथ ही साथ हमारे लिए इक्वालिटी की मांग भी शुरू हो जाती है कि हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। अब इक्वालिटी आपको कब मिल सकती है, जब आपका जो वोटिंग वैल्यू है, मतलब अगर आप जो सिटीजन हो, आप एक कंट्री के सिटीजन हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, तो आपके वोटिंग राइट्स, इससे हम ये समझ सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी वैल्यू हमारे, भले ही कोई भी किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी सोशल क्लास से बिलोंग करता हो, वही वो मुकेश अंबानी जी भी क्यों ना हो, पर आपकी जो वैल्यूज है वो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी। आप भी हमारे लिए सिटीजन हो, वो भी हमारे लिए सिटीजन है, साथ ही साथ जो उनकी वोटिंग वैल्यू है वो भी आपकी वोटिंग वैल्यू के बराबर ही रहने वाली है। तो हमें ये चीज तो समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं ये जो इक्वालिटी है, ये जो साइन दिख रहा है, ये सिंबल दिख रहा है इक्वालिटी, इस इक्वालिटी के लिए कहीं ना कहीं एक लड़ाई छिड़ चुकी थी। और उस लड़ाई का एंड आउटकम यही था कि सर हमारे पास क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था। क्योंकि सर जो डेमोक्रेसी है, जब हम बात करते हैं लोगों के शासन की, तो लोगों के शासन में सभी लोगों के पास क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, सभी के पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए।
फिर हम आगे देखते हैं, दस प्रिंसिपल वॉज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ऐसे में सर पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसका मतलब क्या है? पहले एक्सेप्ट नहीं किया करते थे। तो जब हम हिस्ट्री के कुछ पन्नों को पलटते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री के अंदर यही देखा गया है कि सर पहले, जैसे हम फ्रेंच सोसाइटी की भी बात कर ले तो सर फ्रेंच सोसाइटी के अंदर भी ये देखा गया कि वोटिंग राइट्स तो मिल गए थे, पर वोटिंग राइट्स उन्हीं को दिए जाते थे जिन लोगों के पास क्या होती थी, प्रॉपर्टी होती थी। ओके, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उन्हें पैसिव सिटीजन समझा जाता था। और पैसिव सिटीजन जैसे कौन कौन? जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और साथ ही साथ जो वुमन्स है उन सभी को पैसिव सिटीजन समझा जाता था। पैसिव सिटीजन के पास किसी भी तरीके के वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे। एक्टिव सिटीजन कौन हुआ करते? जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ वो क्या होने चाहिए, वो मेल्स होने चाहिए। तो ऐसे में हम ये समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं है ना अभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की कमी थी। क्योंकि जब हम बात करते हैं सोसाइटी की तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास क्या हो, प्रॉपर्टी हो। जब हम बात करते हैं डेवलपिंग सोसाइटीज की, जब हम बात करते हैं एक कंट्री के लेटरल एज की, तो हम ये देखते हैं कि एक कंट्री में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन एक वीकर सेक्शन की होती है, एक है ना अनवेल्दी सेक्शन की होती है, उतनी कम ही पॉपुलेशन किनकी होती है, वेल्दी सेक्शन की होती है। इसका मतलब यही है कि 90% हमें क्या देखने को मिलते हैं, लगभग गरीब लोग ही एक कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं। और 10% के आसपास ही ऐसे कोई लोग हमें देखने को मिलते हैं जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम इंडिया की ही बात कर लेते हैं तो इंडिया में क्या है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, और जो अपर क्लास का जो सेक्शन है वो तो बहुत ज्यादा छोटा सा है। जो वेल्थ का अक्यूमुलेशन, जब हम वर्ल्ड की भी बात करेंगे तो वर्ल्ड का जितना भी अक्यूमुलेशन है ना मनी का, वो लगभग 4-5% लोगों के हाथ में ही हो रखा है। तो बाकी सारे लोग क्या है, तो बाकी सारे लोग जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर अपर मिडिल क्लास में उसमें हो सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, अनटिल 2015 येट देयर आर मेनी इंस्टेंस फॉर डिनायल ऑफ इक्वल राइट्स टू वोट। तो कई सारे ऐसे हमारे सामने इंस्टेंस आते हैं जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि सर इक्वल वोटिंग राइट्स को क्या किया गया है, डिनाई किया गया है। तो अभी हमने फ्रेंच सोसाइटी का एक एग्जांपल देख लिया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने एक आइडिया देख लिया था, उससे हमें बेसिक आइडिया तो लग ही गया है कि सर वहां पे भी एक है ना राइट्स के लिए क्या हुई थी, जंग हुई थी, जिसमें लोगों को क्या चाहिए था, इक्वल राइट चाहिए था। उन्होंने अपने मोनार्की को तो हटा दिया था, अपने जो ओवरऑल जो सिस्टम था उसमें जो सप्रेसिव रूल था उसको तो हटा दिया था, पर अब उन्हें ये चाहिए था कि सर अब उन्हें क्या मिले, इक्वल राइट भी मिले, उनको क्या मिले, इक्वल वैल्यू मिले। मतलब क्या है इक्वल राइट इक्वल वोट का, हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी पास वोटिंग वैल्यू है, मतलब आपके पास जो वोट है उसकी वैल्यू इतनी है कि सर दुनिया में आपकी कंट्री के अंदर, बेसिकली आपकी कंट्री के अंदर जो भी कोई दूसरा सिटीजन है, जो भी दूसरा सिटीजन है उसके पास भी उस वोटिंग वैल्यू का जो परसेंटेज है वो उतना ही है जितना आपके पास है। मतलब जितनी वेल्थ या फिर जितनी भी कास्ट या जितनी भी जो हम ग्रुप देख रहे हैं उससे आप क्यों ना बिलोंग करते हो, पर जब हम बात करते हैं कंट्री के परस्पेक्टिव से तो कंट्री के परस्पेक्टिव से आप उसके क्या हो, सिटीजन हो, भले ही आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्लास के हो। फिर हम आगे देखते हैं, अंटिल 2015 इन सऊदी अरबिया वुमन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। जब हम बात करते हैं सऊदी अरबिया की, तो सऊदी अरबिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, मोनार्की जैसा एक सिस्टम देखने को मिलता है जहां पे आज भी रूलर्स काम करते हैं। तो सर जो रूलर्स थे ना उन्होंने कभी भी वुमन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे। कब तक नहीं दिए थे, 2015 तक नहीं दिए थे। तो इसका क्या मतलब है, सर 2015 के बाद दे दिए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। तो एस्टोनिया की हम बात कर लेते हैं, एस्टोनिया के सिटीजनशिप रूल्स ऐसे बनाए गए थे ताकि जो रशियन माइनॉरिटी है, मतलब जो रशियन लोगों की माइनॉरिटी है ना, उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो राइट टू वोट लेने में। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर ऐसे कई सारे एग्जांपल्स, ऐसे कई सारे इंस्टेंस आज के टाइम में भी देखे जाते हैं जहां पे कुछ लोगों को, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। इन फिजी the electoral system in such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of Indian Fiji। जब हम बात करते हैं फिजी की, अब फिजी में ये देखा जाता है कि वहां पे एक ऐसा इलेक्ट्रोल सिस्टम बनाया गया है कि जो फिजी का नेटिव है, मतलब वो वहीं का जो रहने वाला जो फिजियन है, उस फिजियन के पास क्या है, उस फिजियन के पास जो वोटिंग वैल्यू है, सपोज करो उस फिजियन के पास वोटिंग वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है 10। मतलब किसकी बात की जा रही है, जो वहां का रहने वाला है, जो वहां का इंडिजिनस फिजी है उसकी वोटिंग वैल्यू है 100%। पर जब हम बात करते हैं इंडियन फिजी की, तो इंडियन फिजी की जो वोटिंग वैल्यू है वो लगभग वहां पे 80%
परसेंट ही है। तो आप ये समझ सकते हो कि ज्यादा वैल्यू किसको दी जा रही है, फिजी की दी जा रही है, फ्यूजन जो वहाँ के जो इंडिजिनस फिजी है उनको दी जा रही है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो गवर्नमेंट फॉर्म होने में सबसे ज्यादा रोल किसका होगा, जो वहाँ के इंडिजिनस फिजी होंगे। अगर इंडिजिनस फिजी ने ग्रुप बना लिया, उन्होंने ये बोल दिया कि हमें है ना ये रिप्रेजेंटेटिव चाहिए और ये गवर्नमेंट चाहिए, तो वहाँ पे जो फिजी है वो क्या कर सकते हैं, एक पूरी गवर्नमेंट को रन करा सकते हैं, पूरी गवर्नमेंट को वहाँ इलेक्शन में इलेक्ट करवा सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं इंडियन फिजीज की, जो पहले ही वहाँ पे माइनॉरिटी में है, पर साथ ही साथ वहाँ पे उन लोगों के जो वोटिंग राइट्स है वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, वो हमें कम देखने को मिलते हैं। मतलब उनको वोटिंग राइट दिए गए हैं पर नाम के दिए गए कि आपके पास राइट तो जरूर है पर आपकी जो पावर है ना, जो आपकी वेटेज है वो हमसे कम है। इसका मतलब यही है ना कहीं उनके साथ क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और जब भी हमने किसी भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखे हैं तो हमने उसके साथ ही देखे हैं रेवोल्यूशन मूवमेंट्स, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं जब किसी भी सोसाइटी के साथ, किसी भी सोसाइटी के पार्ट के साथ क्या किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, तब ही उस सोसाइटी का जो वो पार्ट होगा, तब ही जो उस सोसाइटी का वो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो सर रेवोल्यूशन की इच्छा करेगा, वो मूवमेंट लाने की इच्छा करेगा, ताकि उसके पास क्या हो, ताकि उसके भी जो ये वोटिंग राइट्स है ये कितने हो जाए, 100% हो जाए। और जब भी वो ऐसी कोशिश करेगा, तब भी जब भी वो ऐसे मूवमेंट लाने की ट्राई करेगा तो क्या होगा, तब जो हमारा कंट्री का पीस है, जब जिस कंट्री में ये सिचुएशन बन रही है उस कंट्री का जो पीस है वो क्या हो जाएगा, वो वहां पे खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी में हमने ये तो देख ही लिया है कि सर डेमोक्रेसी क्या है, पीपल्स रूल है, मतलब जो भी शासन है वो किसका है, लोगों का ही शासन है। पर जब हम बात करते हैं एक्चुअल डेमोक्रेसी की, तो एक्चुअल डेमोक्रेसी का कहना यही है कि सर हमें क्या चाहिए, हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो हमें ये बताती है कि सर हर किसी के पास क्या है, इक्वालिटी, सबके पास क्या है, इक्वल राइट्स है, सबके पास क्या है, इक्वल पॉलिटिकल डिसीजन में राइट रखने का, एक अपनी बात रखने का क्या है, एक पावर है। तो ऐसे में हमें ये समझ में आता है कि जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी के अंदर हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए, ताकि हम ये बता सके कि ये जो डेमोक्रेसी है वो उसका क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ही हमें ये बताता है कि सर हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इससे हमें थर्ड फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का, क्योंकि टू जो फीचर्स है वो अभी तक हम देख चुके हैं। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो ऐसे में हर एक डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि उसके हर एक सिटीजन का जो वोट है उसका वन वैल्यू हो, साथ ही साथ उन सभी वैल्यूज की जब इक्वालिटी देखी जाए तो वो सारी की सारी इक्वालिटी एक जैसी हो। तो ऐसे में हमें ये समझ में आ चुका है कि वेटेज का इक्वल होना भी जरूरी है, साथ ही साथ वोटिंग राइट्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फीचर्स के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एक डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, वो जो इलेक्शन होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और साथ ही साथ उनके जो भी इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं वहां पे जो वोटिंग वैल्यूज है वो भी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए तो आप स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।